मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना कृष्णकुंज को धरातल पर साकार करने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में कृष्णकुंज विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुसार जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में कृष्णकुंज बनाया जा रहा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विकसित किए गए कृष्णकुंज में विभिन्न प्रकार के औषधीय एवं फलदार पौधे जैसे बरगद, पीपल, नीम, आंवला, कदम जैसे पौधों का रोपण किया जा रहा है। जिले में इस अवसर पर भैरम बाबा मंदिर परिसर में सबसे पहले दंतेश्वरी माँ राधा कृष्ण छत्तीसगढ़ महातारी की छाया चित्र का माल्यार्पण करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात जिया बाबा जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा विभिन्न पौधे जैसे कृष्णवट आम के पौधे का रोपण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा ने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बस्तर जैसे वनांचल क्षेत्रों में लगाया गया पौधा हमारी पीढ़ियों की देन है। हमारा भी दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पौधारोपण करना है, इसके साथ ही पानी के जल स्तर को बढ़ाना है। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, लोगों में जागरूकता लाना है। हमारा दायित्व है कि पौधे लगाकर स्वच्छ वातावरण बनाएं। उन्होंने नागरिकों से पौधे लगाने के साथ उनका बचाव करने अपील की। वन मंडल अधिकारी संदीप बलगा ने कहा कि यहाँ अलग अलग प्रजातियों के साथ लुप्त प्राय प्रजातियों के पौधों का भी रोपण किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी इसका आनंद ले पाए। अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। दंतेवाड़ा बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट।